मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने यूनिट 3 में इसके पहले पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाला चैप्टर, जिसको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझे थे, और उसी क्रम में आपका फिर से आ रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सूक्ष्म जीव जिस प्रकार से हम लोगों की दुनिया है, उसी प्रकार से हमारे आसपास चारों ओर के वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, और वो हमारे जीवन को भली प्रकार बनाने में किस प्रकार मदद करते हैं, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है बच्चों हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट कर और डेली रिवाइज करें ताकि आप भूले ना। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अल्कोहलिक किण्वन का कारण है, आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये नाम आप याद कर लीजिए, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज अदा करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। दूसरा, अल्कोहल से सिरका बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं सिरका कैसे बनाते हैं, और उसकी एक फर्मेंटेशन मेथड पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत आता उस जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटिक। क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि सिरका को बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो उससे रिलेटेड एसिटोबैक्टर एसिटिक। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की, तो इसका आंसर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी जल या सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के लिए वायवीय जैविक क्रिया के लिए जिस घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कहलाती है, उसको कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है इसका फुल फॉर्म BOD का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पांचवा क्वेश्चन, बैसिलस थुरिंजियेंसिस किस कार्य के लिए वाणिज्यिक स्तर पर उपयोगी है। क्या नाम है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस। ये जो है ये जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कीटनाशक के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से बनता होगा, लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध से दही में परिवर्तन करता है तो कौन से विटामिन में वृद्धि होती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध काय में कन्वर्ट होता दही में, तो कौन सा विटामिन बढ़ता है, तो यहाँ पे बढ़ता है विटामिन B12। 7, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में निम्न में कौन मुक्त होता है। वाहित मल जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है उसका फर्स्ट, उसमें स्थिर कण जितने सेडिमेंटरी पार्ट रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो कौन मुक्त होता है, स्थिर कण मुक्त होते हैं। 8वां, अपशिष्ट जल उपचार बड़ी मात्रा में आपंक यानी स्लज पैदा करता है जिसे उपचारित किया जा सकता है, आंसर ऑक्सीकरण तालाब द्वारा। ऑक्सीकरण तालाब द्वारा इस स्लज को हम खत्म कर सकते हैं। 9th देखो, मेथनोजेन निम्न में से किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो मेथनोजेन सब जगह पाए जाते हैं, मवेशियों के रूमेन में पाए जाते हैं, बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं, पानी से भरे धान खेत में मेथनोजेन पाए जाते हैं, लेकिन सक्रिय आपंक में यानी स्लज में, एक्टिव स्लज में मेथनोजेन नहीं पाए जाते हैं। मैथनोजन क्या नहीं बनाते, आंसर है ऑक्सीजन। मैथनोजन क्या नहीं बनाते, ऑक्सीजन नहीं बनाते, बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाते हैं, जो कि आप बायोगैस प्लांट में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। मुक्त जीवी कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जा सकता है, मुक्त जीवी कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है पादप रोगों के जैव नियंत्रण में, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं हम प्लांट डिसीज का। वैसे भी जो डिसीज है उसमें हम क्या करते हैं कि उनका रसायन उपचारित करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल ढंग से किस प्रकार से करें, तो उसमें कौन सा आता है, मुक्त जीवी कवक ट्राइकोडर्मा पादप रोगों के जैव नियंत्रण में प्रयुक्त किया जाता है। अगेन देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक का काम करता है, कौन सा है जो बायो एज ए बायो फर्टिलाइजर वर्क करेगा, तो इसमें है एजोला। एजोला जो है ये वाला जो जीवाणु है ये
एज ए बायो फर्टिलाइजर काम करता है। नेक्स्ट देखें 13, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव नहीं है, यानी वो जीव जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। तो इसमें है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और ये आप अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल में समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत हैं, जैव उर्वरक के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें सभी हैं जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, कवक, उपरोक्त सभी, ये आप बहुत अच्छे से 11th क्लास में समझ चुके हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, गंगा एक्शन प्लान निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया। गंगा एक्शन प्लान का क्या अर्थ है कि गंगा को शुद्ध करने की जो परियोजना है उसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, और उसमें किस प्रकार से गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं उसमें सारे चीजों पर इम्फेसिस किया गया, सारी चीजों पर जोर दिया गया, जैसे कि वाहित मल उपचार संयंत्र लगाए गए ताकि अपशिष्ट पदार्थों युक्त पानी जो है वो गंगा नदी में ना जाए, ना डायरेक्ट ना जा सके। दूसरा विद्युत शवदाह गृह, क्योंकि गंगा नदी के किनारे क्या होता है, शवदाह होते हैं, तो उसको रोकने के लिए विद्युत शवदाह गृह लगाए गए। लोक शौचालय घर, गंगा नदी के वहां लोग गंदगी ना फैलाए इसलिए लोक शौचालय घर बनाए गए। इस प्रकार से सभी चीजों पर जोर दे करके गंगा नदी के शुद्धिकरण की योजना लागू की गई। 16 देखें, वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। वायुमंडली यानी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कौन फिक्स करता है, तो वो है एजेटोबैक्टर। ये नाम आपको याद करना पड़ेंगे बच्चों ध्यान से। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से रटिए बच्चों। हृदयाघात से गुजरने वाले रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में प्रयोग किए जाने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित डैश जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग हम से हटाते हैं ब्लड वेसल से, तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम हम किससे प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज से बना स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस, इससे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्राप्त करते हैं जो कि हृदयाघात से थक्का हटाने में मदद करता है। साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण डैश नामक कवक से किया जाता है, जिसका आंसर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। तीसरा, सैकरोमाइसिस सेरेबिसी को बेकर यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकरी के काम आता है इसलिए इसको बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। टेम्प, टोफू और सोफू, ये सारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं फर्मेंटेड, ये किससे प्राप्त होते हैं, सोयाबीन से। पेनिसिलिन डैश नामक कवक से प्राप्त होता है, सिंपल है पेनिसिलिन, तो उससे रिलेटेड पेनिसिलियम। शहरों के वाहित जल में लगभग 99% पानी होता है। बायोगैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है, अपरंपरागत, गैर परंपरागत, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। रासायनिक पेस्टिसाइड डैश प्रकृति के होते हैं, सिंपल सी बात है केमिकल है इसलिए वो कैसी प्रकृति हो जाएगी, उनकी विषैली प्रकृति के हो जाएंगे। 9th, राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी है, ठीक है, ये सिम्बायोसिस शो करता, जो हमने पढ़ा था ना चने दालों की जड़ों में जो ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, वो जीवाणु राइजोबियम है और ये सहजीवी जीवाणु है। 10th देखो, जैविक उर्वरक की उत्पत्ति डैश क्रियाओं के फलस्वरूप होती है, तो सिंपल सी है, जैविक उर्वरक की उत्पत्ति जैविक क्रियाओं के द्वारा होगी। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु डैश कहलाते हैं, जीवाणु भोजी, जो जीवाणुओं पर संक्रमित करते हैं ऐसे वायरसेस क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। सत्य असत्य, जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज प्रोटोजोअन्स आदि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। सत्य, ये सारे कौन है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये आंसर ट्रू या सत्य कहलाएगा। दूसरा देखो, औद्योगिक सूक्ष्म जीवियों में
ईस्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। ट्रू, सत्य। क्यों? क्योंकि औद्योगिक व्यापारिक स्तर पर उद्योगों में ईस्ट जो है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा, बीओडी कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है। सत्य। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि बढ़ जाती है जल में, इसका मतलब है कि वहां पर प्रदूषण या पॉल्यूशन प्रेजेंट है। चौथा, बायोगैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर फाल्स या असत्य। पांचवा, कार्बनिक खेती में कृषक सहोपकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं। असत्य, फाल्स। बायोगैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। सत्य। छठवा, रासायनिक पीड़क नाशी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। असत्य, क्योंकि रासायनिक जो पेस्टिसाइड है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेवन, देखो मृदा में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए स्यूडोमोनास स्टोएटा जीवाणु उपयोग में लाया जाता है। सत्य। तो बच्चों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।